हर साल धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस खुशहाली और सुख समृद्धि का त्योहार है। धन के देवता कुबेर को कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ होता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, मगर धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी खरीदारी करने से बचना चाहिए। इनका खरीदना घर के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर अगर इन चीजों को खरीदा जाए तो घर की भाग्योदय और सुख समृद्धि पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। काले रंग की चीजों को न खरीदें। धनतेरस के दिन काली चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग किसी भी चीज के लिए अशुभ माना जाता है। इस दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। धनतेरस पर धार वाली चीजें जैसे छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी न खरीदें। अगर इन चीजों को खरीदा जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। कांच से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने से बचें। कांच राहु का प्रतीक है, इसलिए धनतेरस पर कांच की चीजें घर में ना लाएं। धनतेरस के दिन घी, रिफाइंड और तेल आदि चीजें न खरीदें। अगर घर के लिए खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस से पहले ही खरीद कर रख लें, इससे घर में बरकत नहीं होती है। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें कतई ना खरीदें। अगर घर के लिए लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से पहले ही खरीद लें, धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। धनतेरस पर प्लास्टिक खरीदने से बिल्कुल भी बचें, इससे घर में अशांति फैलती है। प्लास्टिक आसानी से जल जाता है, जो कि घर के लिए अशुभ होता है। तो धनतेरस की खरीदारी के वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए तो वो कल्याण।